क्या शबे बरात में जागना और रोजा रखना सही है? 15 शाबान का रोजा किसी सही हदीस से साबित? बोलो भाई, नहीं। सिर्फ जमहूर के नजदीक इबादत है 15 शाबान की, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज, मेरा इस पर बहुत डिटेल में बयान है, यूट्यूब पे सर्च करें वो बयान आ जाएगा। मैसेज टीवी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था इस पे, उसमें मैंने दलाइल से साबित किया है, पूरी मुदल्लल बहस की है कि ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। समझ रहे हो? अब मुझे पता है जो गालियां आने वाली हैं यूट्यूब पे, चलो कोई बात नहीं, इसको भी इंजॉय करते हैं। तो सिर्फ एक चीज है वो, और ना इस रात में तकदीर के, साफ है कुरान में कि वो लैलतुल कदर में होते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि लैलतुल कदर की अहमियत को घटाने के लिए भी इस रात को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। तो जितनी जिस चीज की अहमियत हो उसको उतना ही रखना चाहिए। तो सिर्फ इबादत है तो इबादत की जुमहूर के नजदीक क्या है वो भी इत्तिफाकी नहीं है, याद रखो। जुमहूर का मजहब बहरहाल यही है कि इस रात को इबादत करनी चाहिए, उसकी फजीलत दूसरी रातों की निस्बत ज्यादा है। आज किसी साहब का फोन आया कि हमारी वालदा का मामूल रहा है इस रात को देगें पका के तकसीम करने का। अब वालदा मरहूमा दुनिया से चली गई, अब हम चाहते हैं। मैंने कहा नहीं पकाएं। कह रहे क्या देग पकाने में लोगों को, गरीबों को खाने खिलाने में क्या हर्ज है, इसमें कौन सी पाबंदी है? मैंने कहा फिर आज खिला दें, कल खिला दें, क्या ख्याल है? लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप सदकात व खैरात से क्यों रोक रहे हो लोगों को? भाई सदकात व खैरात, जैसे लोग कहते हैं ना बकरे के सदके में क्या खराबी है, अभी फिर कोई साहब मुझसे उलझ गए कि आप क्यों कहते हो सदके का बकरा बिदत है, अगर कोई बकरा खिला रहा है तो क्या खराबी है? मैंने कहा सवाल पैदा होता है जब गरीब आदमी को बकरे के पैसों में ज्यादा दिलचस्पी है तो आपको क्या तकलीफ है कि आप उसको बकरा खिलाएं? इसका मतलब आप बकरे को क्या समझ रहे हो, अलग से कोई फजीलत समझ रहे हो बकरे में? तो शरीयत में जिस चीज की अलग से कोई फजीलत ना हो उसको अलग से प्रोटोकॉल देना ये बिदत है या नहीं है? गरीब आदमी को कह रहे यार 20,000 का बकरा लेके दे दिया तुमने मुझे, तो मुझे 20,000 रुपए दे देते। अगर आप कहते हो उसके खाने की हाजत है तो राशन डलवा दो, 20,000 में जो राशन है, बकरा एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, दो दिन चलेगा और राशन पूरे साल चलेगा। इसका मतलब यह कि बकरा मकसद है आपका, बकरे का लेबल लगाया जा रहा है, सदके का लेबल लगाया जा रहा है, मकसद क्या है? अरे भाई, तो इसलिए वो कहने लगे कि मैं 15 शाबान को चाहता हूं गरीबों में देख तकसीम करूं तो सदके में हरज क्या है? मैंने कहा बिल्कुल कोई हरज नहीं है, लिहाजा कल देख आप तकसीम कर दें, अगर आज लेट हो गए तो कल कर दें। कह रहे नहीं कल नहीं, मैं 15 को करूंगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि सदका असल नहीं है, 15 शाबान को इस तरीके से मनाना असल है। तो जब शरीयत में नहीं है तो आप क्यों उस रात को सदके के हवाले से प्रोटोकॉल दे रहे हो? जब नहीं है उसमें, किसी सहाबी ने नहीं ये काम किया इस रात को देगें पकाई हो या नहाए धोए हो या खाना खिलाया लोगों को, जो काम करने का आओ चुपके से मस्जिद में किसी कोने में खड़े होकर इबादत करो या अपने घर में जाके। मुमकिन है आप कहें कि सदका भी तो इबादत है, तो चुपके से किसी गरीब को दे दो ना पैसे, क्या ख्याल है? जितने पैसे देग में खर्च होंगे तो भाई चुपके से किसी गरीब को जाके दे दो। तो त्योहारों में खिलाया पिलाया जाता है, मैंने कहा ईद के दिन खिलाएं आप लोगों को, त्योहार है, बकरीद में खिलाएं, सही है ना, इफ्तारी में लोगों को खिलाएं, ये खिलाने का मौके है। आप 15 शाबान की रात को पब्लिक को जब खूब मुर्गन गिजाएं खिलाएंगे तो वह इबादत के लायक, वो मुर्गे खा के क्या करेंगे, टन हो जाएंगे।